चलिए। हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चेहते और प्रिय परिवार एग्जाम बोर्ड में। दोस्तों आशा करूंगा सभी लोग मस्त होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो सबसे पहले बताए बच्चे, आप सभी साथियों को मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं, सभी लोग बच्चे बता देंगे। और सभी लोग क्लास में थे, अभी जो पिछला वाला स्टैटिक जीके का क्लास लिया हूं, 15-20 मिनट का क्लास था, उसमें कौन कौन था, हाथ उठाएगा, जयकारा लगा दो, कौन कौन सा था। तो देख पा रहे हैं मनोज कुमार जी, रुबेल, कमेश्वर, ठीक है, तान्या, पूजा, ललिता, विकास, अनूप, ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा, अनूप पूछ रहा कौन है 5:30 बजे से, ठीक है, 5:35 से वो क्लास में थी, बहुत ही अल्टीमेट, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर। तो आज मेरे प्यार से डेट कितना हो जाता, मेरे प्यारे दोस्त, भाई साहब जग जाओ, सबसे पहले तुम्हें बोल रहा हूँ रजाई से निकल जाओ, मस्त मुंह धोके पानी का छपाका मुंह पे बैठ मार कर एकदम पढ़ने बैठ जाओ, शानदार तरीके से पेन और कॉपी लेकर भजन नहीं सुनना है, मैं यहाँ पे सुबह सुबह प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चे याद रहेगा, आज हम लोग पढ़ने वाले 29 नवंबर का करेंट अफेयर। साथ साथ मेरे प्यारे साथी यहाँ पर स्टैटिक, आज थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा ज्यादा है तो स्टैटिक जी के थोड़ा कम दिखेगा, और बच्चे याद रहेगा आपको साथ में रिविजन चलता है। ये सब कहाँ पर होता है, आप सभी की प्यारी सी 360 डिग्री वाली क्लास में, आप सभी की प्यारी सी 360 डिग्री वाली क्लास में ये आपका होता है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, क्या आप सभी लोग तैयार हैं, भाई साहब लास्ट तक निकल जाओ, राजा इसे लग जाओ, क्योंकि जिस समय तुम पढ़ रहे हो ना, बहुत लोग अभी सो रहे होंगे, ठीक है, बहुत लोग तो अभी रात में से सोना मोना ही कर रहे होंगे, ठीक है, वो जिंदगी भर वही सोना मोना करते चलेंगे, पता चला कि तुम सरकारी नौकरी ले लिए। गाना सुने हो, बाद में गाना सुनाता हूँ, चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, याद रहेगा सबसे पहले से, उससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, अगर आप एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो सिंघम बैच है बच्चे, याद रहेगा इस बैच का, याद रहेगा बच्चे, आप 30 नवंबर तक 12 बजे तक ऑफर के साथ ले सकते हैं 699 रुपए में, कोई भी कूपन अप्लाई करने की जरूरत नहीं हो जाती है, आपकी क्लासेस 4 दिसंबर के बहुत ही शानदार तरीके से चलने वाली है, प्रॉपर तरीके से, वही टीम, वही विश्वास, वही टीम बच्चे जो पिछले साल हम लोगों ने वर्दी बैच में शानदार तरीके से कराया था। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बच्चे हम लोग कल वाला रिवीजन करेंगे, कल वाला रिवीजन, पता चला कि कल ही वाला गलत कर दिया, लाइक कल वाला गलत, एक दिन पुराना वाला गलत कर दिया और 2 महीना बाद के पेपर की तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है, चलेगा। हाल ही में अपनी कृति, अपने किताब पेंडोर, याद रहेगा अपने किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ठीक है, अपने किताब बच्चे याद रहेगा प्रॉफिट, याद रहेगा अपने किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर प्राइज, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बच्चे याद रहेगा प्रॉफिट सॉन्ग, अपने किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर प्राइज किसने जीता है, 2023 का आपको बुकर प्राइज किसने जीता और वो किस देश से हो जाते हैं। तो 2023 का बच्चे बुकर प्राइज की बात करता हूं तो पॉल लिंच की बात करता हूं, कहां पे बच्चे, तो पॉल लिंच की बात करता हूं, ये अपने किस किताब के लिए जीते हैं प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ये आपको बच्चे आयरलैंड के हो जाते हैं, कहां पे, ये आपके कहां पे हो जाते हैं, आयरलैंड के हो जाते हैं। आगे बढ़ते, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, क्रिस्टोफर लक्सन की बात करते बच्चे याद रखा, ये आपके न्यूजीलैंड, क्रिस्टोफर लक्सन की बात करते तो ये आपके न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में किस राज्य ने मिशन दक्ष, अच्छा, लॉन्च करने की घोषणा की है, तो मिशन दक्ष किस राज्य ने बच्चे, अपना बिहार ने मिशन दक्ष को लॉन्च करने की घोषणा किया। नरेंद्र मोदी किस विमान से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए, नरेंद्र भैया मोदी कल उड़ान भरे थे, कल मतलब 2-3 दिन पहले, किस विमान से उड़ान भरे, याद रहेगा तेजस विमान, ठीक है, याद रहेगा तेजस विमान, कहां से, तो बेंगलुरु में, ठीक है, तो बेंगलुरु में लगभग 30 मिनट तक तेजस विमान से उड़ान भरे थे। चलेगा, हाल ही में किसने स्वीडन में आयोजित यूरोपीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता, तो हाल ही में किसने स्वीडन में आयोजित यूरोपीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता, तो याद रहेगा ईश्वर शर्मा, ठीक है, याद रहेगा बच्चे कौन हो जाते हैं, ईश्वर शर्मा, ठीक है, ईश्वर शर्मा हो जाते, ईश्वर शर्मा आपके हो जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र पर हॉट कुक्ड मिल परियोजना की बात करते बच्चे, याद रहेगा ये आपके बच्चे कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हॉट कुक्ड मिल्क परियोजना की बात करता उत्तर प्रदेश में। खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, खादी कारीगर सम्मेलन 2023 की बात करते बच्चे वाराणसी में, ठीक है,
आधिकारिक सम्मेलन जो वाराणसी बचे यूपी में 2023 का आयोजन हाल ही में गंगा मैया नदी के किनारे हाल ही में कहां पर अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का दूसरा सीजन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का जो दूसरा सीजन आयोजित किया जा रहा है याद रखा बच्चे ये भुवनेश्वर में। ठीक है, याद रखा भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करते बच्चे कहां पर उड़ीसा, भुवनेश्वर आपको उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल कृष्ण पुरस्कार, ये जो राष्ट्रीय गोपाल कृष्ण पुरस्कार है यह किस मंत्रालय के द्वारा, तो मत्स्य डेयरी और पशुपालन मंत्रालय। ठीक है, याद रखा बच्चे मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रखा बताइए कौन मंत्री है अभी मंत्रालय द्वारा, बताना कौन मंत्री है, मत्स्य पालन मंत्रालय कौन सा है, इसका बच्चे आयोजन कहां पर किएगा, आसाम में। ठीक है, आसाम में, आसाम में। ये याद रहेगा 26 नवंबर को दूध उत्पादन के लिए। ठीक है, याद रहेगा 26 नवंबर को मिल्क सेक्टर में। ठीक है, याद रहेगा 26 नवंबर को दिया गया राष्ट्रीय दूध दिवस के अवसर पर दूध उत्पादन के लिए। ठीक है, दूध उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए आपको दिया। ठीक है, दूध उत्पादन के लिए। मत्स्य पालन मंत्रालय कौन है, मत्स्य पालन मंत्रालय कौन समारोह कमेंट करके बताएगा। किस शहर में भारत का 8वां जल प्रभाव सम्मेलन 22 से लेकर 24 नवंबर तक आयोजित है बच्चे, याद रखा ये आपके नई दिल्ली में। ठीक है, आपके कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, नितिन गडकरी जी के द्वारा उद्घाटन किया। आयुष्मान भारत स्वस्थ और कल्याण, आयुष्मान भारत स्वस्थ और कल्याण केंद्र को किस नाम से जाना जाएगा, आयुष्मान भारत स्वस्थ और कल्याण केंद्र को अब बच्चे किस नाम से जाना जाएगा, जल्दी से बताएगा, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको बच्चे याद रखा आयुष्मान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। नाम इतना क्यों चिंता, देखो वो बच्चों के बारे में सोचते नहीं है कि बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, वो ये नहीं सोचते हैं क्या यार बच्चों को कितना मेहनत करना पड़ता, एक तो याद किए फिर तुम नाम बदल दिए, बताओ। ठीक है, चलेगा। तो ये था बच्चे कल वाला जिसको हमने रिविजन किया, अब स्टार्ट करते आज का। तो मेरे प्यार साथियों, अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो तो IBPL भी बहुत ही शानदार वैकेंसी आ चुकी है खुफिया विभाग 2023 के लिए, आईबी के लिए। टाइगर बैच है बच्चे 999 रुपया का है, ग्रेजुएट आपको इसमें होना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी है। और याद रखा इंग्लिश भी यहाँ से पूछे जाते हैं, करंट थोड़ा सा पिछले साल से बदलाव है, यहाँ पे करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछेगा, जीके से 20 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ से 20-20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन प्री में आपसे पूछने वाला है। ठीक है, चलेगा। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ पर है, न पूछो यारो कि मेरी मंजिल कहाँ पर है, अभी अभी तो सफर का इरादा किया है मैंने, ना मैं हारूंगा हौसला, ना मैं हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं उससे वादा किया। याद रखिएगा, आपको एक बता दूं, आप साथ में पढ़ते होंगे, आपका किसी मित्र का एक ही वर्ष में पहले ही साल में सिलेक्शन हो जाता, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तीन तीन चार चार साल सिलेक्शन रहता। कल एक बच्चे से मेरी बात हुई, लगभग 9 वर्ष के बाद वो SBI का PO बना है, 9 वर्ष के बाद। ठीक है, 8 वर्ष के बाद मतलब कि 9वें वर्ष की जब वो तैयार किया, SBI PO बना है, समझ रहे हो। तो लग अब हार जाता छोड़ देता, लेकिन उसको लगा हर साल एक लगता गया कि मैं पूछा कि भाई इतना पेशेंस, तो बोला कि सर हर साल लगता गया कि सर थोड़े से नंबरों से चूक जा रहा हूं, और जो लोग नए तरीके से शुरुआत करेंगे, मैं तो इतने सालों से पढ़ रहा हूं और भी हो ना, जब पहली बार गया फिर सोचा कि दूसरी बार मैं कर लूंगा थोड़ा नंबर से, जो लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे उनसे तो पहले ही आ गयो, तो हिम्मत नहीं हारनी है मुझे, हिम्मत नहीं हारनी है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले तो एक बात को ध्यान सुनेगा, सबसे पहले वर्तमान में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है, सबसे पहले वर्तमान में बच्चे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करता हूं कौन सा है, ये पेपर का सवाल है, वर्तमान में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाता है, तो वर्तमान में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करता हूं कौन सा हो जाता है बच्चे, तो ये हो जाता आपको नागार्जुन सागर। ठीक है, ये आपके वर्तमान में है, नागार्जुन सागर श्री सैलम की बात करता हूं, नागार्जुन सागर बच्चे श्री सैलम की बात करता हूं, नागार्जुन सागर श्री सैलम की बात करता हूं, जो कि कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये वर्तमान में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये वर्तमान में आपको आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री सैलम की बात करता हूं, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। जिस तरीके से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, बता रहा था
उसी तरीके से अगर कहीं गलती से ये पूछ लिएगा भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, ठीक है, अगर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात कर देगा, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, ठीक है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात कर देगा तो ये आपको बोर हो जाएगा, ठीक है। बोर टाइगर रिजर्व की बात कर देता हूं जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बच्चे याद रखिएगा बोर टाइगर रिजर्व, तो ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसी तरीके से भारत का सबसे छोटा निस्तर पर साउथ बटन, ये कहां पर जाता, ठीक है। भाई साहब लास्ट तक बने रहेगा, सभी लोग बच्चे सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। अरे 300-400 बच्चे तो सुबह में ही थे, 5:30 बजे ही थे, ठीक है, चलेगा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करते बच्चे ये कहां पर, तो ये जो बनाया जा रहा बच्चे ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा। मध्य प्रदेश का बच्चे आपको बहुत दिनों से बात कर रहा था कि एक नया नेशनल टाइगर रिजर्व बनेगा जिसका इंद्रावती, आपको कुछ नए टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था ना, ठीक है, कुछ नए टाइगर रिजर्व को अगर आपको याद होगा तो मैंने जिक्र किया था, किसको किसको बच्चे, जैसे कि एक बताया था इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इस राज्य में इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करता हूं, टाइगर रिजर्व ये करंट प्लस स्टेटिक होगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पर आपको बनाया जा रहा, ठीक है, धौलपुर करौली का, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की बात करता हूं, ये आपके कहां पर जाता, इंद्रावती हो गया, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, याद रहेगा बच्चे, धौलपुर करौली हो गया, इंद्रावती हो गया, इंद्रावती कहां पे बच्चे, वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, वेरी गुड बच्चे, ठीक है, याद रहेगा बच्चे, वीरांगना दुर्गावती बता रहा है, वीरांगना दुर्गावती। तो अगर आपको याद हो वीरांगना दुर्गावती एमपी में करा था, धौलपुर करौली की बात करता आपको राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, और रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करता बच्चे यहाँ पे ये आपके यूपी में, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करता हूँ तो ये बच्चे आपके क्या हो जाते हैं, यूपी में आपको रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाता, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करता हूँ आपके यूपी में हो जाते, ठीक है। इंद्रावती भी कराया था क्या, इंद्रावती टाइगर रिजर्व आतेगा, इंद्रावती कराया था क्या। तो अब क्या बच्चे, जो बच्चे वर्तमान में, तो ये वर्तमान में क्या है, ये आपका टाइगर रिजर्व हो जाता सबसे बड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश के कहां पे, दमोह में आपको सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है, जो आपको वीरांगना हो जाती है उसी को बनाया जाएगा, ठीक है, जो वीरांगना टाइगर रिजर्व है बच्चे, जो वीरांगना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो वीरांगना टाइगर रिजर्व है, वीरांगना टाइगर रिजर्व की बात करता हूँ, यही बच्चे रुकेगा कहां पर, दमोह, ठीक है, ज्यादा से इसका एरिया तो दमोह जिला में आ जाता है, फिर याद रहेगा दामोह सागर और नरसिंहपुर करके एरिया हो जाते हैं, वहां पर आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपके एमपी में बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के आपको सभी साथी पता है, अगर मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो बांधवगढ़, डायनोसर फॉसिल, फॉसिल पेंच, कान्हा पेंच, कूनो, माधव पाना, ऐसे याद रहेगा, पेंच, कान्हा, माधव पाना, संजय सतपुरा वन विहार, ये यहाँ के नेशनल पार्क हो जाते हैं, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी पाले से 6 हो जाते हैं, जो टाइगर नेशनल पार्क है वो आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा, ठीक है, चलेगा, ये तो आपको सीख गए। अब आपसे सवाल पूछता है, विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता, विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, भाई तब ये तो गलत मत कर देना। अब करंट का सवाल जो हाल ही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, तो हर साल अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करता हूं 26 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई का बच्चे का मनाया जाता अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। हाल ही में जारी एक टाइगर सेंसस के अनुसार 2022 तक बाघों की संख्या कितनी हो गई है, तो 2022 तक देखो बाघों की जनसंख्या 2018 में कितने थे बच्चे, तो 2018 में 2967 थे, और 2967 थे, 2022 तक में कितने हो गए, तो 2022 तक में 3682 बढ़कर कितने हो गए, कितने बढ़े, तो पिछले बार लगता है कि मुझे घटाव करने में वो हो गया था, ठीक है, बढ़े कितने, तो 3682 कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है, सवाल पूछ देगा कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है, तो 5, 1, 9, 6, 15, ठीक है, 7, पिछली बार शायद ये घटाया था तो 615 लिख दिया था ना, 715 बाघों की बढ़ोतरी है, ठीक है, 715 कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है,
715 प्लस 715, ठीक है याद रखा, प्लस 715, अरे 715 ही होगा ना, अरे 7 5 12, 8 6 14 आ गए, 7 अच्छा कहा गया, हाँ ये 7 5 12, 6 1 7 1 8, 9 6 15, 9 6 15, 16 2, ठीक है 715 भागों की बहुत, ठीक है चलेगा। अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा भाग किस राज्य में, ठीक है याद रहेगा सबसे ज्यादा भाग, ठीक है सबसे ज्यादा भाग किस राज्य में बात करता हूँ, सबसे ज्यादा भाग की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा भाग की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा भाग बच्चे आपको याद रहेगा राज्य की बात करता हूँ, तो सबसे ज्यादा भाग की बात करता हूँ आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपको 785, ठीक है फिर नंबर की बात करता हूँ, नंबर नहीं कर्नाटक में हो जाता, फिर इसके बाद बच्चे उत्तराखंड में हो जाता, फिर आपको महाराष्ट्र में हो जाता, फिर आपको तमिलनाडु में हो जाता, ठीक है ये भाग। अगर पूछेगा किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा भाग, ठीक है किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा भाग किस टाइगर रिजर्व में, ठीक है अगर ये तो राज्य पूछ देगा, अगर पूछेगा किस राज्य में सबसे ज्यादा भाग, तो याद रखा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भाग, मध्य प्रदेश में 600 टाइगर रिजर्व है, लेकिन अगर किसी एक पार्टिकुलर टाइगर रिजर्व की बात करता हूं जहां पे भाग सबसे ज्यादा है, ठीक है तो सबसे मेरी बातों को समझिए नहीं, सबसे ज्यादा भाग, ठीक है याद रखा सबसे ज्यादा भाग पूछ देगा किस टाइगर रिजर्व में, ठीक है किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा भाग, किस टाइगर रिजर्व की बात करता हूँ, किस टाइगर रिजर्व में, किस टाइगर रिजर्व में बच्चे याद रहेगा सबसे ज्यादा भाग करेगा, तो याद रहेगा यहाँ पर याद रहेगा बच्चे कहाँ पर, तो पहले नंबर पे आपको हो जाता है जिम कॉर्बेट, ठीक है याद रहेगा जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट पहला ही नंबर याद रहेगा, जिम कॉर्बेट में बच्चे याद रहेगा कितने हो जाते हैं तो 260, फिर इसके बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, फिर इसके बाद बांदीपुर में बच्चे, फिर इसके बाद नागौर में, ठीक है तो जिम कॉर्बेट में आपको सबसे राज्य याद रहेगा मध्य प्रदेश, मान लो सवाल ऐसे पूछ दे थोड़ा सा घुमा के, किस राज्य के टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा भाग, या किस टाइगर रिजर्व में, तब याद रहेगा, ठीक है आगे बढ़ते, किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य को बाघों के लिए पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन दर्जा दिया गया, ये करंट बेस्ड एस्थेटिक, अब क्या बार बार आपसे पूछा जाता है करंट बेस्ड एस्थेटिक, करंट बेस्ड एस्थेटिक है क्या, तो बच्चे देखो ये सुहेलवा अभयारण्य चर्चा में बाघों को पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन मिला, यह आपके कहां पर उत्तर प्रदेश का हो जाता, किस राज्य के पेरियार टाइगर रिजर्व को प्रबंधन समीक्षा में शीर्ष पर, किस राज्य का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है मैनेजमेंट में बाघों के लिए मैनेजमेंट में शीर्ष पर रहा, तो पेरियार रहा, ये पेरियार कहां पर, तो केरल का, ठीक है पेरियार टाइगर रिजर्व बच्चे केरल का मैनेजमेंट में टॉप पे रहा, तो कौन सा टॉप पे रहा वो भी याद रखना, ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर की लॉन्च करके बात करो तो बच्चे याद रखा 1973 में, ठीक है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, कैलाश श्रृंखला, ठीक है याद रखा कैलाश श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला की बात करते हैं आपको बाबू, ये मिलान करने को देता है, ठीक है ये आपको मिलान करने को देता है 2021 या 22 में यूपी पीसीएस में मिलान करने को दिया था, 2021 या 22 में यूपी पीसीएस का मिलान करने को दिया था, तो पशु संरक्षण परियोजना इसको इंपॉर्टेंट मार्को, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा, ये क्या पूछेगा एकदम आसान पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल आप जीडी की तैयारी देने कर रहे हैं तो आपसे ये पूछ लेगा इस तरीके से, मिलान करने को पूछ दे, कथन वाइज पूछ ले, तो मिलान के और कथन वाइज में क्या चाहता है आपको बच्चे, यहाँ पर तो एक सवाल पूछ लिया ना, बस एक सवाल पूछ लिया, लेकिन मिलान करने का मतलब क्या है, वो एक प्रश्न के माध्यम से आपके बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है चलेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। इस अफ्रीकी देश से 12 चीते लाए गए थे, तो देखो ये आपको फरवरी की बात है, ठीक है फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 की बात है बच्चे याद रखा, किस अफ्रीकी देश से 12 चीते लाए गए थे, किस अफ्रीकी देश से, जो 12 चीते फरवरी में लाए गए थे ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, ठीक है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है और जबकि बच्चे सितंबर पिछले साल मोदी जी के बर्थडे में सितंबर पे सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, ये भी याद रख गया, ठीक है अब तो मर ही रहे बहुत, देखो सवाल यहाँ राजस्थान के पेपर में एक सवाल पूछा हुआ था, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, तो कुन्नू नेशनल पार्क में, ठीक है इन्हें लाया गया था कहाँ पे रखा गया था, कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था, ठीक है तो ये करंट स्टैटिक चीजों को शानदार तरीके से पढ़ते रहेगा, ठीक है चलेगा आगे बढ़ते हैं, करते हैं आज के अगले प्रश्न में, आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटन के लिए नए कप्तान कौन होंगे, आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटन के लिए नए कप्तान, मतलब कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, 2021 में अगर मैं बात करता हूं 2021 में क्या मिला, 2021 में मतलब विनर रहे आईपीएल टीम के विनर रहे, 2023 की बात करता हूं तो 2023 में बच्चे क्या रहे ये ऑरेंज के विजेता रहे और 2024 में कप्तान बनेगा, मतलब कि ऐसी तरक्की होनी चाहिए, तरक्की होती ऐसी है
और खबर ये भी चल रही कि इनका सारा का सारा सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, खबर है कि इनका सारा कुछ अच्छा ही चल रहा है। हम बात करें किसके बारे में बच्चे, याद रहेगा, हम बात करें किसको, हम बात करें शुभमन गिल के बारे में। ठीक है, शुभमन गिल, शुभमन गिल बच्चे गुजरात टाइटन के नए कप्तान होंगे, क्योंकि जो एक ये नई टीम है 2021 में आई थी, पहले सीजन में जीती थी, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। अब हार्दिक पांड्या चले गए हैं, घर वापसी हो गई है, मुंबई इंडियंस में चले गए 15 करोड़ रुपए में से। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस में इनकी वापसी हो गई है, तब इसके जो कप्तान होंगे शुभमन गिल होंगे। ठीक है, शुभमन गिल होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का क्या नाम है, तो ये पहली बार अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सुना होगा, पहली बार बच्चे खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेला जाएगा। चलेगा, पहली बार ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेला जाएगा बच्चे। तो सवाल पूछा हुआ है इसका शुभंकर क्या होगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या होने वाला है, ये आपसे सवाल पूछा हुआ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या होने वाला है। सबसे पहले जो बच्चे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 होगा, ये आपको याद रखा, पहली बार होगा। कब होगा दोस्त, आपको पहली बार होगा, अरे समझ में आ रहा है ना, पहली बार होगा। इसका आयोजन कहां पर होगा, तो इसका आयोजन की बात करते बच्चे याद रखा, नई दिल्ली में होगा। इसका आयोजन कहां पर होगा, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और इसका जो शुभंकर बच्चे जो उज्वाला करके, ठीक है, उज्वाला एक पैरोट करके है, गौरैया करके उज्वाला करके हो जाता, ठीक है, उज्वाला अब पैरोट करके इसका क्या हो जाता, शुभंकर हो जाता, उज्वाला, उज्वाला करके, ठीक है, उज्वाला करके एक पैरोट करके इसका क्या हो जाता है, शुभंकर हो जाता है। इस बात का दर अभी के लिए तो बस इतना ही याद रखना, जब हो जाएगा तो कौन जीता कौन है आपको इसमें देखेंगे। जैसे कि बच्चे पिछले साल बच्चे यहां से जीडी वाले कितने बच्चे हैं, जीडी वाले के बच्चों को बता दूं कि यहां पे ना पिछले साल शुभंकर से बड़ा ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, और जो 2021 ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, उससे सवाल पूछ रहा, तो ये मत समझे कि सर 2021 से पूछ रहा, 2000 पुराना करंट अफेयर है वो, तो मैं उस समय बताया था कि अगले 4 साल तक ये पूछे ही जाएंगे, अगले 4 साल तक ये तो पूछे ही जाएंगे, ये तो पहले ही बताया था। ठीक है, तो याद रखे बच्चे, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 इसका आयोजन कहां पर किया बच्चे, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, रांची, कहां पर किया गया था, रांची में किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन बच्चे आपको याद रखा, रांची झारखंड में किया गया, रांची झारखंड में किया गया। विजेता की बात करता हूं, विजेता कौन रहा था, विजेता की बात करता हूं, भारत रहा था। किसको हराया, अरे किसको धूल चटा दिया, तो भारत में बच्चे जापान को, ठीक है, जापान को हरा कर। अब पूछा है महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 में अनावरण किए गए शुभंकर का क्या नाम है, तो 2024 में अनावरण किए गए। अगर बच्चे इसके मैस्केट की बात करता हूं, शुभंकर की बात करता हूं क्या रहा था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा इसका शुभंकर क्या रहा था। ठीक है, वेरी गुड, जूही, इसका शुभंकर क्या रहा था बच्चे, जूही की बात करता हूं इसका शुभंकर रहा था। ठीक है, जूही की बात करता हूं इसका शुभंकर रहा था। अब हम क्या करते हैं इस क्लास में, तो रिवीजन करते हैं। अब बच्चे जैसे मैंने बोला कि पिछले साल बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, यार ना बाबू एक बात बता दो, मैं ना थोड़ा सा ना, मैं जितना या तो मैं करंट अफेयर कर रहा, क्योंकि मैं फिर ना सारे चीजों को खोजना और रिलेट करने में ना थोड़ा समय लगता है। अगर बस चाहते हो आप करंट पढ़ाओ, इतना डिप्ली ना जाओ, तो मैं 1 घंटा में क्लास को खत्म कर दूंगा, अपना थोड़ा सा आपसे सपोर्ट की जरूरत है। मैं अभी भी मतलब कि सच्चाई बोल रहा हूँ, अभी भी देखता हूँ मेरे मतलब कॉन्टेक्ट में बहुत सारे बच्चे होंगे, मुश्किल से 10-12 बच्चे सेशन को एक सपोर्ट दे पाते हैं, मतलब कि शेयर कर पाते हैं। सीधी सी बात है बच्चे, हम पैसे देकर शेयर नहीं करवा पाते हैं अभी तो, वैसे भी हमारी कंडीशन थोड़ी सी मतलब कि आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो अब बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या है बच्चे, आपको शुभंकर वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शुभंकर वगैरह पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे शुभंकर वगैरह पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बच्चे हाल ही में विभिन्न खेलों के शुभंकर की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा हाल ही में सबसे महत्वपूर्ण खेल कौन हुआ, तो हाल ही में सबसे इंपोर्टेंट खेल की बात कर देते हैं आपको कौन सा हो गया, तो क्रिकेट विश्वकप 2023। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि क्रिकेट विश्वकप, ठीक है, क्रिकेट विश्वकप, आपको जितना शुभंकर लिखवा रहा हूँ लिख लो, क्रिकेट विश्वकप 2023 का शुभंकर क्या था, क्रिकेट विश्वकप 2023 का शुभंकर क्या था। फिर बच्चे आपको हाल ही में हुआ था कौन सा, एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर, एशियन गेम्स 2022 वाला 2023 में हुआ इसका शुभंकर क्या था। इसके बाद बच्चे महिला फीफा विश्वकप 2023 हुआ, ठीक है, जो रिसेंट में सबसे हुआ वो करा रहा हूं, महिला फीफा विश्वकप, महिला फीफा विश्वकप की बात करता हूं, महिला फीफा विश्वकप, और मैं चाहूंगा कि किसका किसका सही हो रहा, महिला फीफा विश्वकप 2023
महिला फीफा विश्व कप 2023 की बात करता हूँ, फिर इसके बाद फीफा विश्व कप, ठीक है। अगर पूछ देगा फीफा विश्व कप महिला लिखा नहीं लिखा तो पुरुषों का, फीफा विश्व कप 2022 नवंबर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बच जाएगा हॉकी विश्व कप 2023 हुआ पुरुषों का, हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप 2023 हुआ, ठीक है। आप इसका शुभंकर 1 2 3 4 क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर की बात करता हूं तो ब्लेज एंड टोंग करके, ठीक है, याद रखा ब्लेंज, याद रखा बच्चा ब्लेंज करके हो जाता ब्लेंज और टोंग, ब्लेंज और टोंग करके याद रखा बच्चे, ब्लेंज एक पुरुष था एक याद रखा, टोंग करके एक महिला, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 की बात करता हूं तो कोंग कोंग लियान लियान चेन चेन, ठीक है, याद रखा कोंग कोंग लियान लियान चेन 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 चेन, ठीक है, कौन कौन लिया ना। महिला फीफा विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था तो याद रखो बच्चे, महिला फीफा विश्व कप 2023 का शुभंकर की बात करता तजुनी था, तजुनी था, कौन सा था, तजुनी था। फीफा विश्व कप 2023 की बात करता हूँ, फीफा विश्व कप 2023 की बात करता हूँ लाइव था, फीफा विश्व कप 2023 की बात करता बच्चे क्या था लाइव था। हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप 2023 की बात करता बच्चे क्या था हॉकी विश्व कप 2023, ठीक है, हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था, वेरी गुड, ठीक है, ओलिव रेडले कछुआ, ठीक है, याद रखा ओलिव रेडले, ओलिव रेडले कछुआ करके, ठीक है, ओलिव रेडले कछुआ करके। अब बच्चे थोड़ा सा यहीं पे बताता हूं और भी कुछ चीजों को बताता हूं, और भी कुछ चीजें उनको देखो, अगर आपसे पूछेगा एशियन गेम्स 2022 जो कि 2023 में हुआ था कोंग कोंग बच्चे चेन चेन लियान लियान करके रहा था, अगर आपसे पूछेगा एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का शुभ होगा, ठीक है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 जो पढ़ने वाले बच्चे वही इसकी कदर समझेंगे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, चैंपियनशिप 2023 की बात करते बच्चे क्या रहा था लॉर्ड हनुमान, याद आ गया लॉर्ड हनुमान क्या रहा था बच्चे, ठीक है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की बात करते कौन सा रहा था चैंपियनशिप 2023 कौन सा रहा था लॉर्ड हनुमान रहा था, ठीक है, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड हनुमान। फिर बच्चे कॉमनवेल्थ 2022 राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, याद रहेगा अगर पूछेगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करते क्या रहा था पेरी, पेरी द बुल करके, ठीक है, याद रहेगा पेरी द बुल करके रहा था, पेरी द बुल, ठीक है, पेरी द बुल करके रहा था, ठीक है, पेरी द कर रहा था बुल करके रहा था, चलेगा। आठवां बच्चे मैं कराता हूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, याद रहेगा। दसवां बच्चे याद रहेगा, दसवां की बात करता हूं याद रहेगा 37th नेशनल गेम, 37th नेशनल गेम की बात करता हूं, 37th नेशनल गेम किसको 10 में से 10 याद था, किसको 10 और एक बच्चे एक यहां पर 11 पुराना 10 में से किसको 5 याद है, 5 याद था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करता हूं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करता जो कि बच्चे यूपी में खेला गया था, इसका शुभंकर क्या था जीतू, इसका शुभंकर क्या था जीतू था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करता हूं तो आशा एंड मोगली, आशा एंड मोगली, चलेगा। 37th नेशनल गेम 2023 का शुभंकर क्या था, 37th नेशनल गेम कहां पर खेला गया बच्चे गोवा में, इसका शुभंकर क्या था मोगा, इसका शुभंकर की बात करता बच्चे मोगा, मोगा इसका शुभंकर था। किसको 5 याद था, किसको कितना याद था कमेंट करके बताओ, किसको कितना कितना याद था कमेंट करके बताओ, किसको कितना कितना याद था, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी से बच्चे, स्क्रीनशॉट जल्दी से सभी लोग ले लेंगे, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
और बाकी अभी लिख ही लो, बाकी अभी लिख लो बच्चे याद रखा कौन सा लिख लो, क्योंकि ओलंपिक वाला पिछले साल भी पूछा हुआ था, ठीक है आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है ओलंपिक 2022, ठीक है याद रखा, अगर पूछेगा ओलंपिक, ओलंपिक बच्चे जो 2020 वाला 2021 में था और पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक का बच्चे क्या था मिराइट हुआ, मिराइट हुआ, पैरा ओलंपिक का क्या था सोमेटी, पैरा ओलंपिक का क्या था सोमेटी, पैरा ओलंपिक क्या था सोमोटी था सर हमको तीन याद था, अरे भाई काशी के वासी ऐसे कैसे चलेगा, क्लास में तो बकैती बहुत करते हो भैया, हैं लिख लिया सर स्क्रीनशॉट कर लेना, वेरी गुड बच्चे। तो अब मैं मतलब कि मेरे को बताया गया कि सर ना आप ना पुराना बच्चे वो लिख लिए रहते हैं, आप मत इतना समय लगे एक घंटे में क्लास को, मतलब कि मैं इस चीज पर रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन कराओ आगे बढ़ जाओ, बस इतना चीजों को करा कर, या आपको बच्चे साथ में लेकर चलना है आप मुझे बताओ, मतलब कि मैं तो ऐसे ही चलना चाह रहा हूं, ठीक है चलेगा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत चलेगा। अगला सवाल है, अच्छा हाल ही में बच्चे याद रहेगा, हाल ही में याद रहेगा 37th नेशनल गेम कहां पर हुआ, उत्तर पर, ये गोवा में हुआ, महाराष्ट्र यहां पे टॉप पर रहा था, सर्विसेज दूसरे स्थान पर रहा था, और यहां पर हरियाणा तीसरे स्थान पर। चलेगा, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण में किन राज्यों को भागीदार राज्य के रूप में आमंत्रित किया गया है, ठीक है किया गया, तो याद रहेगा बच्चे अभी समापन हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का 42वां संस्करण, ठीक है अगर पूछेगा 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहां पर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये कहां पे बच्चे, प्रगति मैदान, याद रखा प्रगति मैदान कहां पे बाबू, ये आपके प्रगति मैदान नई दिल्ली में, प्रगति मैदान बच्चे नई दिल्ली में, प्रगति मैदान कहां पर नई दिल्ली में। अब पूछा है यहां पर पार्टनर राज्य के रूप में, ठीक है यहां पे बच्चे आपको पार्टनर राज्य के रूप में कौन सा दो राज्य है, तो पार्टनर राज्य की बात करता हूं, अगर यहां पर पार्टनर राज्य की बात करता हूं तो कौन सा दो राज्य, जब ये स्टार्ट हुआ था तभी पढ़ाया था, जब ये स्टार्ट हुआ था तभी पढ़ाया था, केरल और बच्चे बिहार, केरल और बिहार की बात करता हूँ, केरला और बिहार की बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर। देखो भाई साहब ना क्लास में अगर एक डेढ़ घंटा बहुत सही से इस क्लास को देते हो ना, अगर ऐसे जिस तरीके से लेकर चलो करंट प्लस स्टैटिक वगैरह, और डेढ़ घंटा देते हो, डेढ़ घंटा लेते हो, भले ये कर सकता हूँ कि 6:30 से स्टार्ट कर दूं बाद में क्लास का, लेकिन बाबू तुम डेढ़ घंटे दे देते हो ना, या जितने लोग बच्चे एक साल से मेरे साथ जुड़े होंगे, लेकिन मेरे साथ एक साल से ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाते क्योंकि वो सिलेक्शन लेकर चले जाते, बहुत लोग बोलते हैं सर, ठीक है तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने चीजों को कराया है, केरला और बच्चे बिहार, ठीक है केरला बिहार, तो ये बच्चे क्या था पार्टनर देश था, ठीक है ये क्या था पार्टनर देश था। अगर फोकस राज्य की बात करता हूँ कि फोकस राज्य कौन कौन सा था, यहाँ पर अगर पूछ देगा फोकस राज्य मतलब किस राज्य पे ज्यादा फोकस किया गया तो वहां के प्रोडक्ट को, तो दिल्ली जम्मू कश्मीर झारखंड, याद रखा बच्चे फोकस राज्य की बात करता हूँ, दिल्ली था, जम्मू कश्मीर था, ठीक है झारखंड था, झारखंड था बच्चे याद रखा, महाराष्ट्र था और यूपी था, ठीक है महाराष्ट्र था और बच्चे अपना उत्तर प्रदेश था, ठीक है अपना उत्तर प्रदेश था, तो झारखंड महाराष्ट्र यूपी दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ठीक है जम्मू कश्मीर। डेविस कप, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता कमेंट करके बताएंगे, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है, ठीक है वेरी गुड। डेविस कप 2023 का खिताब सबसे पहले बताएगा, ये जो डेविस कप है ध्यान रखा, जब बच्चे हम लोग डेविस कप की बात करता हूँ ध्यान रखा, डेविस कप, डेविस कप की बात करता हूँ, डेविस कप की बात करता हूँ बच्चे याद रहेगा 2023 की बात करता हूँ, जो 2023 वाला बच्चे याद रहेगा ये आपका 111वां संस्करण है, ठीक है 111वां संस्करण, 111वां संस्करण याद रहेगा। अच्छा पहली बार कब खेला गया था, तो डेविस कप की बात करता हूँ बच्चे, पहली बार 1900 में खेला गया था, ठीक है 1900 में, सवाल ऐसा पूछे जाता तो आपको बताया था कि पिछले साल वाला में वो जो बैडमिंटन का कप कौन सा है उससे पूछ लिया था कि पहली बार कौन खेला गया था बैडमिंटन वाला, बैडमिंटन वाला, तो याद रहेगा बच्चे डेविस कप की बात करता हूँ, ये क्या ये पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है, कौन सा पुरुष टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है पुरुष टेनिस टूर्नामेंट हो जाता है, याद रहेगा ये पुरुष टेनिस टूर्नामेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विजेता है, ठीक है यहाँ पे याद रहेगा डेविस कप के बच्चे जो 2023 का विजेता है वो कौन सा, इटली है,
इटली ने बच्चा दूसरी बार जीता है, ठीक है, इटली ने याद रखा, यह आपको दूसरी बार जीता, इटली की बात करता दूसरी बार जीता है। उप विजेता किसको हराकर, उप विजेता की बात करता बच्चे याद रखा, उप विजेता की बात करता ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इटली। अब सवाल थोड़ा सा गहराई से पूछ रहा, दूसरी बार जीता, इससे पहले 1976 के बाद, इससे पहले पहली बार कब जीता था, तो पहली बार इसने बच्चे 1976 में, तो 1976 के बाद इटली ने पहली बार डेविस कप जीता, ठीक है, 1976 के बाद इटली ने बच्चे पहली बार यहाँ पर डेविस कप जीता, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करता हूं तो यूएसए ने 32 बार जीता, यूएसए ने बच्चे 32 बार जीता। इटली ने बच्चे किसको हराया, तो इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है। तो किस देश ने जीता बच्चे, याद रखा इटली ने जीता। किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखा पुरुष टेनिस टूर्नामेंट से ये आपका हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से बच्चे याद रखा पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का, उसी तरीके से 2023 की बिली जीन कप की बात करता, ठीक है। अगर पूछेगा बिली जीन कप, बिली जीन कप की बात करता हूं, यह किस खेल से संबंधित है, बिली जीन किंग कप, ठीक है, याद रखा बिली जीन किंग कप की बात करता हूं, बिली जीन किंग कप की बात करता हूं, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, बिली जीन किंग कप की बात करता हूं तो ये आपके महिला टेनिस टूर्नामेंट है, कौन सा महिला टेनिस टूर्नामेंट हो जाता है, महिला टेनिस टूर्नामेंट हो जाता है 2023 में बच्चे 60वां, ठीक है, 60वां संस्करण खेला गया, 60वां संस्करण खेला गया। अब यहां पर विजेता की बात करते हैं, यहां पर विजेता, ठीक है, 2023 में बिली जीन कप की विजेता की बात करता हूं, तो याद रखा यहां पर कनाडा विजेता रहा, कौन सा रहा, कनाडा रहा। किसको हराया कनाडा ने, कनाडा ने बच्चे इटली को हरा दिया, कनाडा ने इटली को हरा दिया, कनाडा ने इटली को हराकर बिली जिंक कप 2023 जीता है, कनाडा ने इटली को हराकर बिली जिंक। हाँ, सेम इसी तरीके से पुरुषों का है थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन के लिए, तो वो सवाल पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रख लो, ठीक है। कल मैक्सवेल ने 100 मारा और मैच ले गया, मतलब अच्छा अच्छा, मैं तो कल एक ही इनिंग देखकर सो गया था, मैक्सवेल तो लास्ट ओवर में 30 रन पड़ा था, तो उसका बदला ले लिया था क्या, चलेगा। अब बच्चे टेनिस की जब हम टूर्नामेंट की बात करता हूं, तो हमेशा एक जिक्र करता हूं ग्रैंड स्लैम, ठीक है, याद है ना, ग्रैंड स्लैम में एक वर्ष में कितने टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, ग्रैंड स्लैम में बाबू रिविजन जरूर किया कीजिए, ग्रैंड स्लैम, अरे बताओ ग्रैंड स्लैम में एक वर्ष में, तो ग्रैंड स्लैम 2023 की बात करता हूं, ग्रैंड स्लैम एक वर्ष में कितने टूर्नामेंट होते, ग्रैंड स्लैम के बच्चे एक वर्ष में कितना टूर्नामेंट हो जाते हैं, जल्दी से बताओ, ग्रैंड स्लैम में एक वर्ष में कितना टूर्नामेंट हो जाते हैं, तो आपको पता है बच्चे सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, याद रखा, फिर इसके बाद क्या होता है फ्रेंच ओपन, फिर इसके बाद क्या होता है फ्रेंच ओपन, फिर इसके बाद बच्चे याद रखा ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन होता, फिर इसके बाद विंबलडन होता, ठीक है, विंबलडन करके हो जाता, विंबलडन हो जाता, फिर इसके बाद बच्चे क्या होता है यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन। बताइए सबसे पुराना कौन सा, पुराना कौन सा, चलिए पुराना नहीं याद है, आप मुझे बस इतना बता दिए ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता महिला एकल, पुरुष एकल और महिला एकल कौन है, ऑस्ट्रेलिया एकल के विजेता पुरुष एकल की बात करता हूं, मेन से सिंगल की बात करता हूं, यहां से सवाल लगभग हर पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, और याद रखिएगा यहां पे महिला एकल की बात, पुरुष एकल और महिला एकल की बात करता हूं, यहां पर आपको एक टेबल बनवा कर दिया हुआ था, आई थिंक वो टेबल आप सभी साथियों को मिल गया होगा, ठीक है, जितने भी ग्रैंड स्लैम है ये चारों के चारों विजेता और उपविजेता सबको दिया, 90% आपसे पूछा जाता विजेता कौन है, एकल ही पूछा जाएगा और वो किस देश से, तो आपको बच्चे बताया था याद करने का सबसे मस्त तरीका, अगर पुरुष एकल की बात करता हूं तो एक जगह बच कौन जीते हैं, कार्लोस अल्काराज जीते हैं, तो कार्लोस अल्काराज याद रखा बस विंबलडन जीते हैं, तो कार्लोस अल्काराज ने बच्चे विंबलडन 2023 खिताब जीता है किस देश के, तो सवाल ऐसे पूछ देगा कार्लोस अल्काराज, तो कार्लोस अल्काराज की बात करता हूं, अल्काराज की बात कर दे तो बचिए कार्लोस अल्काराज की बात करता हूं, ये आपके स्पेन के खिलाड़ी जीते हैं या आपके विंबलडन जीते हैं। बाकी मैं बात करता हूं बच्चे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया और बच्चे यूएस ओपन भी हो गया, ठीक है, ये कौन जीते, नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच किस देश के बच्चे याद रखा, ये आपके सर्बिया से, ठीक है, नोवाक जोकोविच कहां के, ये सर्बिया से आपके हो जाते हैं। यूएस ओपन भी कौन जीतते, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। अच्छा तुम भी एक बात सोचते होगे ना, सर वो जीते हमको क्या फायदा, हमको पुलिस की नौकरी करना है उसमें क्या फायदा कि क्या कौन जीता क्या नहीं, ठीक है, कभी आपने सोचा है क्या, हम इतिहास पढ़ते हैं,
ये सारे चीज पढ़ते हैं, हमारे जॉब में उसका क्या फायदा, क्यों पढ़ाया जाता, क्यों एग्जाम लिया जाता, बताओ तो क्यों एग्जाम लिया जाता। अब बच्चे महिलाओं की बात करता हूँ, महिलाओं ने सभी टूर्नामेंट में अलग अलग महिलाओं ने जीता, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ठीक है, तो याद रखा ये यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, महिलाओं की बात करता हूँ तो अलग अलग है। तो एरिना सबालंका की बात करता हूँ बच्चे, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती, ठीक है, एरिना सबालंका किस देश की, एरिना सबालंका बच्चे बेलारूस की, ठीक है, बेलारूस की। अगर पूछेगा फ्रेंच ओपन का महिला एकल किसने जीता, फ्रेंच ओपन का महिला एकल किसने जीता, तो याद रखा बच्चे एगा स्वेते, ठीक है, एगा स्वेते की बात करता बच्चे, एगा स्वेते, एगा स्वेते की बात करता फ्रेंच ओपन बच्चे, याद रखा ये पोलैंड, ठीक है। विंबलडन 2023 किसने जीता महिला एकल, तो याद रखा मार्केटा बोंड्रोसोवा चेक गणराज्य की, ठीक है, मार्केटा, देखो जब हमने पहली बार पढ़ा था तो इसका नाम भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, बोंड्रोसोवा, ये बाबू कहा कि चेक गणराज्य, यूएस ओपन का खिताब महिला में किसने जीता, तो कोको गॉफ कर कहते, ठीक है, कोको गॉफ। ये आपको बच्चे यूएसए, कोको गॉफ यूएसए, बाबू आपको बता दूं ये जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां से सवाल जरूर पूछे जाते, ठीक है, इसको मतलब आप डेली क्लास में रहते भी हो ना तो याद कराने की गारंटी मेरी है। सर जी ये नाम कैसे है, अरे बाबू नाम हम थोड़े रखे हैं, उसके माई बाबू ने नाम रखा होगा, उसके मम्मी पापा ने नाम रखा होगा, हम थोड़े नाम रखे हैं, ठीक है, हम थोड़े नाम रखे। और मेरी बस आपसे एक शिकायत रहती है, आप लोग टाइम से क्लास में नहीं आते हो, जितने बच्चे ना टाइम से क्लास में आया करो, कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है, क्लास की टाइम पता है ना, कितने बजे से, तो जब मन करता है तब आप क्लास में घुस जाते हो, मेरा एवरेज वाच टाइम खराब कर दे तो आप सभी लोग, या तो मत आइए क्लास में, बाद में क्लास को देख लिया कीजिए। जो बच्चे देख रहे हो उनको देखने दो, आप थोड़ी देर आओगे, जो बच्चे पूरा 60 मिनट देखेंगे तो एवरेज वाच टाइम कितना होगा, 60 होगा। यूट्यूब पे एवरेज वाच टाइम 5 के बाद जिसका 5 से 10 के बीच में रहता है तो बहुत लोग अपने आप को मानते हैं, मैं आपको अंदर की बात होता है कि हाँ मेरा बहुत, मतलब बच्चे रुक कर क्लास देख रहा, मेरा एवरेज वाच टाइम 22 जाता है, 25 जाता है, वैसे जाता है, मतलब बच्चे क्लास को देखते हैं शुरू से लास्ट तक, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे शुरू से आकर देखा करो क्लास को, समझ रहे हो, 20-22 से ऊपर तो आप खराब कर देते हैं मेरा, आओगे 2 मिनट के लिए, ठीक है, वो सब छोड़ो, एवरेज वाच टाइम भी छोड़ो, आप क्लास में पढ़ने तो आया कीजिए, चलेगा। अगला सवाल है भारतीय तटरक्षक बल, यहां पर आपको बात किया था भारतीय तटरक्षक बल, सबसे पहले तो बताइए हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया, हाल ही में अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते बच्चे, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसे बना गया, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में कौन बने, प्रमुख कौन बने, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख, याद रखिएगा लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है राकेश पाल, ये आपके हो जाते हैं राकेश पाल, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं राकेश पाल, तो याद रखिएगा बच्चे राकेश पाल की बात करता हूँ, राकेश पाल की बात करता हूँ भारतीय तटरक्षक बल के ये प्रमुख के रूप में बने, राकेश पाल की बात करता हूँ ये भारतीय तटरक्षक बल, याद रखिएगा ये आपके प्रमुख के रूप में बने। अब पूछा है भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9th राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, बोले तो नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स करके हो जाता है, ये बच्चे कहां पर आयोजित किया गया, तो ये बाबू आयोजित किया गया गुजरात में, कहां पर, ये आपके गुजरात में, कहां पर बच्चे, तो ये आपके गुजरात के वाडीनगर करके जगह हो जाता है, वाडीनगर करके जगह हो जाता है गुजरात में, ठीक है, तो वाडीनगर, वाडीनगर करके बच्चे याद रखा जगह हो जाता है आपके गुजरात में इसका आयोजन किएगा, इस बात का अधिकार राकेश पाल क्या है बच्चे, इसके प्रमुख है राकेश पाल क्या, इसके प्रमुख हो जाते हैं, ठीक है, चलिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, किस देश ने छह दशक में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिया है, तो एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चे कौन सा देश है जहां से ग्लेशियर तो निपटते ही जरा, ठीक है, वहां का ग्लेशियर ही एकदम पूरा का पूरा ग्लेशियर की बात करता हूँ तो निपटते जरा, हम किस देश की बात करें, ठीक है, हम किस देश की बात करें बताएगा, हम किस देश की बात करें, ठीक है, हम किस देश की बात कर रहे हैं, निकारगुआ, अच्छा निकारगुआ की अभी एक महिला चर्चा में, एक सुंदर बालिका चर्चा में, तो मिस यूनिवर्स जो 2000
23 बनी है, जो 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है, कहां के बनी है बच्चे? निकारागुआ। बताइएगा उनका नाम क्या? निकारागुआ वाले सुंदर बालिका का क्या नाम है जो मिस यूनिवर्स बनी है? पेरू, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो पेरू ने बच्चा देगा पिछले 6 दशक मतलब कि 60 सालों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिए। पेरू की बच्चे राजधानी की बात करता हूँ, पेरू की राजधानी की बात करता हूँ, क्या हो जाता? पेरू की राजधानी की बात करता हूँ लीमा। पेरू की राजधानी की बात करता हूँ लीमा, ठीक है? याद रहेगा पेरू की राजधानी क्या हो जाती है? लीमा। यहाँ की मुद्रा की बात करता हूँ, व्हाट इज द मुद्रा ऑफ द पेरू, व्हाट इज द मुद्रा ऑफ द पेरू? तो पूरे पेरू की मुद्रा की बात करता हूँ सोल। सोल बच्चे यहाँ की मुद्रा जाती है। हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? पेरू के बच्चे राष्ट्रपति, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है 2023 का। हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति के रूप में, अब देखता हूं कि किसको? सेनिस पलासियोस। वेरी गुड बच्चे। तो जो सुंदर बालिका हो जाती है उनका नाम है सेनिस पलासियोस। ये तो नहीं भूलोगे, देखो लड़के नहीं भूलते हैं। अब तुम मुझे बताओ पेरू के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने? तो हाल ही में पेरू की राष्ट्रपति की बात करते हैं बच्चे डेना बेलुआटे, ठीक है? तो डेना बेलुआटे की बात करता हूँ, याद रखना डेना बेलुआटे की बात करता हूँ, डेना बेलुआटे की बात करता हूँ, ठीक है? डेना या डेना करके देगा, डेना बेलुआटे, डेना बेलुआटे की बात करता बच्चे याद रखना ये यहाँ के, ठीक है? अच्छा बाबू एक बार कमेंट, कितने ऐसे साथी हो, क्या आपको क्लास में सारी की सारी चीजें याद हो रही है? जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 50% 60% आपको क्लास में याद होता है कि नहीं? क्या आपको क्लास में चीजें याद हो रही है? अब इसी मकसद के साथ इस क्लास को मैं लेकर आता हूं कि भाई साहब चीजों को आपको रिवाइज कराओ, चीजों को याद कराओ, क्योंकि मुझे पता है कि जो आज पढ़ाऊंगा 2 महीना बाद रिविजन ना कराओ तो 2 महीना बाद वो कहां गया, जिस बुक में लिखो वो बुक भी कहां गया पता नहीं लगा। चलेगा। तो ये बच्चे पेरू की बात करता हूं, पेरू की बात करता हूं तो ये कौन सा महाद्वीप है? इसी महाद्वीप में पेरू है, ठीक है? पेरू की बात करता हूं बच्चे, यहां पर आपको पेरू देखने को मिलेगा, ठीक है? पेरू आपको देखने को मिलेगा प्रशांत सागर से लगवा, ये आपको पेरू देखने को मिलेगा, ठीक है? पेरू किस महाद्वीप में? पेरू है किस महाद्वीप में? तो पेरू की बात करता हूं बच्चे याद रहेगा ये आपको दक्षिणी महाद्वीप में, ठीक है? ये आपको बात करता हूं तो याद रहेगा दक्षिण अमेरिका हो जाता, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाता, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और जूम करता हूं, थोड़ा सा आप जूम करता हूं बच्चे याद रहेगा ये आपका दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और जूम करता हूं तो ये आपको बच्चे क्या देखने को मिलेगा? दक्षिण अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में ना लगभग 12 देश है, तो ये तो देश तो नहीं पूछेगा। अगर बच्चे दक्षिण अमेरिका की बात करते तो बहुत दिनों बाद ये वाला पोर्शन करा रहा हूं। अच्छा सारे महाद्वीप का जो अभी करा रहा हूं ऐसे कर लोगे ना तब पर भी एक दो क्वेश्चन जाकर आप जीडी में कर दोगे ज्योग्राफी वगैरह से सारे महाद्वीप से, ठीक है? ऐसे करोगे तो अगर बच्चे दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं, दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं तो इधर में दक्षिण अमेरिका के इधर में कौन सा महासागर है? दक्षिण अमेरिका के इधर में कौन सा महासागर है? तो इधर आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। कौन सा? ये आपको बच्चे दक्षिण अमेरिका में इधर कौन सा? आपको प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है? जबकि दक्षिण अमेरिका के इस साइड जाएंगे तो कौन सा महासागर देखने को मिलेगा? तो दक्षिण अमेरिका के इस साइड जाते हैं तो बच्चे याद रहेगा आपको बच्चे अटलांटिक ओशन, ठीक है? तो याद रहेगा बच्चे यहाँ पे पैसिफिक ओशन, आपको इधर पैसिफिक ओशन, इधर आपको अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा, ठीक है? अटलांटिक ओशन, थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है? अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, लगभग यहाँ पर 12 देश आ जाते, ठीक है? अगर पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अगर बाबू सबसे बड़ा देश चाहे जनसंख्या की बात करता हूं चाहे क्षेत्रफल की बात करता हूं, यहाँ पे सबसे बड़ा देश की बात करता हूँ ब्राजील, ब्राजील की बात करता हूँ आपको बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ा देश, ब्राजील की बात करता हूँ आपको, ये येलो वाला दिख रहा ये ब्राजील सबसे बड़ा देश है, ठीक है? अगर सबसे छोटा देश की बात करता हूँ, सबसे छोटा देश की बात करता हूँ बच्चे याद रखा, छोटा देश की बात करता हूँ तो यहाँ पे सूरीनाम हो जाता है, ठीक है? सूरीनाम, दोनों के राष्ट्रपति चर्चा में, ठीक है? सूरीनाम हो जाता है, ठीक है? सबसे छोटा देश कौन हो जाता है? सूरीनाम हो जाता है। सबसे बड़ा शहर साओ पोलो, देखो यहाँ का सबसे बड़ा शहर, दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा शहर की बात करता हूँ, सबसे बड़ा शहर, ठीक है? सबसे बड़ा शहर की बात करता हूँ, सबसे बड़ा शहर की बात करता हूँ तो साओ पोलो करके, साओ पोलो करके है बच्चे याद रखा, ये ब्राजील का, तो ब्राजील में एक शहर है बच्चे याद रखा साओ पोलो, ये सबसे बड़ा शहर आपका हो जाता है, सबसे बड़ा शहर कर देता है। अब यहाँ पर जितने भी देश है, ठीक है बाबू आप देख पा रहे हो मानचित्र को देख पा रहे हो, तो जितने भी देश है आप देख पा रहे हो सबके सबकी सीमा कहां से लगे? सागर से लगे। यहां पर आप दो ही देश देख पा रहे हो जिसको आपकी लैंडलॉक है, आप बच्चे दो देश ऐसे देख रहे हो कि जो ये लैंडलॉक है, दो देश क्या देख रहे हो ये आपको लैंडलॉक देख रहे हैं, भू और वो देश देख रहे हैं। तो याद रहेगा बच्चे
दो भू और रू देश की बात करता हूं, दक्षिण अफ्रीका में याद रखा दो भू और रू देश। मतलब कि लैंड लॉक, इसकी सीमा की बात करता हूं बच्चे, लैंड लॉक की बात करता हूं, इसकी सीमा समुद्र सागर से मिल गई, कौन कौन सी, तो बोलिविया और पराग्वे, कौन कौन सी बच्चे, तो बोलिविया, बोलिविया और पराग्वे की बात कर दो, आपको दो ही देश ऐसे मिलेंगे पूरा दक्षिण अमेरिका में, दो ही देश ऐसे मिलेंगे जिसकी सीमा की बात करते बच्चे, याद रहेगा क्या लगती है, जिसकी सीमा आपको मतलब समुद्रों से नहीं लगती, ठीक है। अच्छा आपको एक बात बताया था कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा, आपको एक बात बताया था बच्चे, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एक सवाल पूछेगा कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस देश की, सबसे ज्यादा तट सीमा की बात करता हूं, सबसे ज्यादा तट सीमा की बात करता हूं किस देश का बताया था, तो गुरुजी आपने कनाडा बताया था, कहां पे बताया था, कनाडा बताया था। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछे सबसे लंबी तट सीमा, सबसे लंबी तट सीमा की बात करता हूं, सबसे लंबाई में, यहां पे लंबाई में देखे तो फुटकर, फुटकर में, यहां पर आपको लंबाई में नहीं है, यहां पर आपको फुटकरों में, ठीक है, फुटकरों में, तो सबसे लंबाई की बात करता हूं तो आप लंबाई देख सकते हो बच्चे, तट सीमा की लंबाई की बात करता हूं तो यहां पर एक देश दिख रहा, इसका देख लो कितनी लंबाई है, ये जो देश दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक लंबाई गया है, यहां से लेकर यहां तक लंबाई गया, तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी हो जाएगी, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, चिली हो जाएगी, ठीक है, चिली की बात करता हूं, सबसे लंबी, सबसे लंबी तटीय सीमा आपका चिली हो जाएगी, ठीक है। चलेगा यहां तक आपको समझ में, अब ना कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी, ये सारी चीजें आपसे बहुत बार पूछ लेता, अगर पूछेगा दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी झील कौन सी, दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ी झील, देखो नॉर्थ अमेरिका कुछ दिन पहले कराया था, ऑस्ट्रेलिया वाला कराया था, तो वहां पे बताया था, अगर बच्चे दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं, दक्षिण अमेरिका की बात करता हूं, पर अफ्रीका तो नहीं लिख दिया, ठीक है, अगर पूछेगा सबसे बड़ी झील क्या है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील पूछ देगा, सबसे बड़ी झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है, सबसे लंबी नदी की बात करता हूं, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन हो जाता, और सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, याद रहेगा सबसे ऊंचा झरना, ठीक है, अब ये सबसे ऊंचा झरना क्यों, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंचा झरना, ठीक है, सबसे ऊंचा झरना की बात करते, सबसे ऊंचा झरना, झरना वाटरफॉल, ये सवाल ना मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ठीक है, चलेगा, सबसे बड़ी झील की बात करता हूं, टिटिकामा झील, अच्छा जो टिटिकामा झील है किस देश में है, टिटिकामा झील, टिटिकामा झील की बात करता हूं किस देश में पड़ता, तो टिटिकामा झील दो देशों की सीमा पे पड़ता है, ठीक है, यहां पर टिटिकामा झील की बात करता हूं तो यहां पर बच्चे टिटिकामा झील पड़ता है, यहां पर आपको टिटिकामा झील पड़ता है, टिटिकामा झील बच्चे आपको यहां पे पड़ता है, ठीक है, यहां पर टिटिकामा झील है, ये याद रहेगा, ऊपर पेरू हो गया और नीचे बोलिविया, तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर, ठीक है, याद रहेगा पेरू और बोलिविया, पेरू और बोलिविया, पेरू और बोलिविया की सीमा पर, ठीक है, सबसे लंबी नदी की बात करता हूं, अमेजन नदी हो गया, ठीक है, अमेजन पानी की मात्रा में विश्व के सबसे ज्यादा वाटर वैली, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अकांकागुआ, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अकांकागुआ, विश्व के सबसे ऊंची पर्वत माउंट अकांकागुआ किस देश में हो जाता है, याद रखा बच्चे अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, ठीक है, चलेगा, सबसे ऊंचा झरना, और ये विश्व की सबसे ऊंची झरना बच्चे एंजल जलप्रपात, ठीक है, याद रखा एंजल, तब सबसे ऊंची झरना की बात करते बच्चे एंजल हो जाता, एंजल झरना हो जाता, एंजल जलप्रपात हो जाता, एंजल जलप्रपात हो जाता, ये बच्चे कहां पर, वेनू ज्वाला में, ठीक है, वेनू ज्वाला में हो जाता, ठीक है, वेनू ज्वाला में हो जाता, और विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करता हूं इस तरीके से, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी, ये भी बच्चे दक्षिण अमेरिका में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखो क्या होता है ना कि मान लीजिए कि पर्वतें हैं, ठीक है, ये लंबी लंबी क्या होती है, इस पे चोटी वगैरह हो जाती है,
जिस तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, हिमालय पर जानते हो ना पर्वत श्रृंखला, उसमें जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उसी तरीके से विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ देगा तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, या तो दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है, और इसी माउंटेन रेंज में बच्चा आपके माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट करें। कितने लोग क्लास में नोट करते हुए चल रहे हैं, कितने लोग बच्चे क्लास में नोट करते हुए चल रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा बताइएगा। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है, तो रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है ब्रिटेन, ब्रिटेन का मुझे लगता है मानचित्र आपको पढ़ाए बहुत दिन हो गया, अगली बार जब भी ब्रिटेन इंग्लैंड आएगा तो मानचित्र वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मानचित्र वगैरह आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, अटाकामा डिजर्ट, वेरी गुड बच्चे, यहीं पर है, शाबाश करेगा। ब्रिटेन के बच्चे राष्ट्रपति, सॉरी भारतीय मूल के व्यक्ति बच्चे ब्रिटेन के पीएम कौन है जल्दी से बता दो, ये तो बहुत ही आसान से है। नवंबर 2023 में स्पेन में लेडीज यूरोपियन टूर सीजन फिनाले के एंड लुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन खिताब किसने जीता, तो याद रखो बच्चे, ये बच्चे याद रखा, आपके आदिति अशोक ने जीते, ठीक है, आदिति अशोक किस खेल से, तो आपके स्क्वैश से हो जाते, ठीक है, आदिति अशोक की बात करते तो आपके स्क्वैश खिलाड़ी जाते, इस बात का ध्यान रखना, आदिति अशोक ये स्क्वैश खिलाड़ी जाते। केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल का राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरुआत किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने बच्चे, किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पे राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम, तो याद रखा बच्चे आपके स्मृति ईरानी जी, कहां पर आपके स्मृति ईरानी जी। सर आज तो क्लास करके मजा आ गया, देखो बाबू ना पढ़ाई को ना हमेशा इंजॉय किया करो पढ़ाई, चलो मैं कर देता हूँ, लिख लो, ठीक है, लिख लो इसको, पढ़ाई को क्या किया करो ना हमेशा इंजॉय किया करो। आप मूवी देखने जाते हो तो सारी कहानी याद रहती है कि नहीं भाई साहब, ये किया वो किया, हीरो यहाँ पर गया, उस रेस्टोरेंट में गया, इस हीरोइन के साथ गया, भी आप वहां पे सारी कहानी 3 घंटे की चीजें याद रहती है, 2.5 घंटे की चीजें क्यों याद रहती है, क्योंकि आप उसे इंजॉय करते हो, तो 1.5 घंटे की चीज भी थोड़ा सा इंजॉय करने की कोशिश किया, कभी बर्डन समझ के मत पढ़ा। ठीक है चलेगा, स्मृति ईरानी ने इसे लॉन्च किया। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन, तो बाली यात्रा बच्चे, बाली यात्रा हुआ, धनुष यात्रा, बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया, बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बाली यात्रा का उद्घाटन कहां पर किया बच्चे, तो बाली यात्रा आपके उड़ीसा में मनाया जाता, ठीक है, बाली यात्रा कहां पर, उड़ीसा मनाया जाता, तो उड़ीसा की याद रखा गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत स्मृति में एशिया के सबसे बड़ी ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले, ठीक है, बाली यात्रा बच्चे यात्रा का कटक के महानदी के तट पे उद्घाटन किया गया, ठीक है, कटक के महानदी तट पे यह त्योहार, ये वाला जरूर याद रखेगा, ठीक है, यह त्योहार मनाया, अब इस प्रकार से सवाल पेपर में पूछा जाता, यह त्योहार इस साल यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे शुरू हुआ है, अच्छा अगले 4 दिसंबर तक चलेगा, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे चालू हुआ, अगले 4 दिसंबर तक चलेगा। किस एयरलाइन ने हाल ही में ग्राहकों को टिकट बुकिंग की मदद करने के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया, ठीक है, किस एयरपोर्ट ने बच्चे याद रखा हाल ही में एक AI चैटबॉट लॉन्च किया, AI चैटबॉट लॉन्च किया, ठीक है, AI चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया जल्दी से बताएगा, वेरी गुड शाबाश, अच्छा 10 मिनट और, ठीक है चलेगा, तो किसने बच्चे AI चैटबॉट लॉन्च किया, इंडिगो ने, ठीक है, इंडिगो ने AI चैटबॉट जिसका सी स्काई करके नाम रखा, ठीक है, इस AI चैटबॉट का नाम क्या, AI चैटबॉट का नाम क्या, तो सी स्काई, ठीक है, सी स्काई नाम से, तो सी स्काई 6 स्काई नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया, सी स्काई नाम से बच्चे याद रखा, सी स्काई नाम से ये AI चैटबॉट लॉन्च किया, ये किसने लॉन्च किया, इंडिगो ने, ठीक है, तो हाल ही में 6 स्काई नाम से, ठीक है, फ्लाइट टिकट में बुकिंग करने की मदद करने के लिए AI चैटबॉट, देखो चैटबॉट क्या होता है, आप इसने बोला महाराष्ट्र, जैसे AI चैटबॉट का क्या काम होता है, आप उससे बोलोगे कि महाराष्ट्र से मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के बारे में बताया, तो ये आपको बताएगा। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में 9 नए पौधे की प्रजाति की खोज की है, तो कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, ये बच्चे कहां पे, तो कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व बच्चे आप ध्यान रखिएगा, आपके तमिलनाडु में हो जाता है, वहां पर एक नई प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है चलेगा।
तो ये था बच्चे आज का हमारा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। ठीक है, कुछ प्रश्न और छूट रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रश्न और छूट रहे हैं। ठीक है, क्या होता है ना, न्यूज आते रहते हम, ये तो पहले से रहता नहीं कि बुक में पढ़ा हुआ करा दो, न्यूज आते रहते हैं बच्चे और हम क्या करते हैं, करते रहते। सबसे पहले बताइए आपको बाबू क्लास कैसी लगी, सबसे पहले बच्चे बताओ आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, सबसे पहले आपको बताइए क्लास कैसी लगी। देख लेता हूँ और कोई न्यूज छूट रहा है तो, आयुष्मान भारत तुला तो कल ही करा दिए। अच्छा, न्यूजीलैंड वाला एक छूट गया, न्यूजीलैंड वाला वो कल करा दूंगा। न्यूजीलैंड क्या ना बच्चे, आपको बताया था ना कि न्यूजीलैंड ने क्या किया, सिगरेट पे बैन लगाया था ना, अब उस बैन को खत्म कर दिया। ठीक है, अब उस बैन को खत्म कर दिया टैक्स वगैरह के लिए, तो आपको करा दूंगा। ठीक है, याद रखा यूके ने बच्चे, याद रखा यूनाइटेड किंगडम ने जो बच्चे याद रखा, यूनाइटेड किंगडम ने पहला केस पाया है कि पहला मानव केस पाया गया बच्चे किस चीज में, किस चीज का, तो H1N2 पिग वायरस। ठीक है, याद रखा हाल ही में किस वन, तो H1N2 पिग वायरस अभी लास्ट तक बने रहेगा, अभी तो रिवीजन करना। H1N2 पिग वायरस में पाया, ठीक है, H1N2 पिग वायरस में ये नया केस पाया गया। ठीक है, सिक्स एस का ही आपको करा दिया। चलिए वाह, चलेगा। एचडीएफसी बैंक ने याद रखा बच्चे, एचडीएफसी बैंक ने नबार्ड के पूर्व अध्यक्ष बच्चे याद रखा हर्ष कुमार भनवाल को बच्चे याद रहेगा एज ए डायरेक्टर के रूप में चुना। ठीक है, याद रहेगा डायरेक्टर के रूप में चुना है नबार्ड, एचडीएफसी बैंक ने बच्चे याद रहेगा डायरेक्टर के रूप में चुना। चलेगा, बाकी आपको दो चार पॉइंट वो आपको पढ़ लिख कर करा देंगे। ठीक है, अब बताएगा बच्चे क्लास कैसे लगी। ठीक है, हाँ रिवीजन थोड़ा सा ना बर्डन, अब थोड़ा सा मैं लेने लगा ना, तो थोड़ा ज्यादा बर्डन होने लगा। ठीक है, और इसी बीच क्लास को भी बढ़ा दिया और अपने लिए भी बढ़ा दिया थोड़ा समय, अपने शरीर के लिए भी समय बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी थोड़ा समय निकालना पड़ रहा है, तो समझो एक डेढ़ घंटा वहां पे चला जा रहा है क्लास में भी, तो कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे सारी की सारी चीजों को बच्चे। जून का हम लोग 2022 का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा, ये जल्दी से बताएगा कि जून 2022-23 के लिए सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, बच्चे आपके प्रश्नों को सुन रहा पालिए करा दो। ठीक है, याद रखा बच्चे, याद रखा प्रमोद के मित्तल को थोड़ा 5 मिनट में बच्चे आपके प्रश्नों को सुन रहा, प्रमोद के मित्तल किस भारतीय अंपायर को आईसीसी एलिट पैनल में रखा गया था, तो याद रखा बच्चे नितिन मेनन को। ठीक है, याद रखा नितिन मेनन को लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी और एकमात्र भारतीय अंपायर हो गया। ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाए गए रोबोट का नाम था। देखो अब क्या था बच्चे, याद रखा जो सेप्टिक टैंक नाले वगैरह होता आपको देखते हो कि उसको सफाई करने के लिए हाथ क्या लोग हमारी गंदगी को साफ करने के लोग क्या करते एकदम उसमें भी गटर में भी चले जाते पूरा का पूरा सफाई, आपने बहुत सारे ऐसे इमेज देखोगे। तो एक रोबोट बच्चे आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था होमोसिल। ठीक है, याद रखा जिसका नाम था होमोसिल। जापान ने पहली बार जून 2022 में मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो सबसे पहले याद रखा
नाटो शिखर सम्मेलन 2022 वाला कहां हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। जब नाटो पढ़ा है बहुत बार बताया हूं। सवाल क्या पूछ लिया? नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। बताया नाटो का 31वां देश कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो का 31वां देश कौन है? नाटो का 31वां देश कौन सा? कमेंट करके बताइएगा। भारतीय प्रेस परिषद के नए प्रमुख और पहली महिला बनी थी रंजना प्रकाश देसाई बनी थी। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। रंजना प्रकाश देसाई बनी थी पहली महिला दीदी। हमजा आफरी बरे किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे? हमजा आफरी बरे किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में? सोमालिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और भारत के जैसे एनपीसीआई होते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और किस देश के बच्चे देगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यूपीए कार्ड किस देश के बच्चे? लायरा नेटवर्क के साथ समझौता किया। लायरा नेटवर्क का बच्चे फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ। ठीक है, फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ समझौता किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये बच्चे देगा किसके द्वारा किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। फिर आखिरी दो क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन होते हैं? भारतीय संविधान अनकही कहानी का नाम क्या हो जाता है? तो राम बहादुर राय। किस हवाई अड्डे पर लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ अड्डा किस हवाई अड्डे को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया था? तो याद रखा बच्चे, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे हो जाता? कतर में हो जाता। ठीक है, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलेगा। तो ये था रिवीजन। अब बच्चे बताइए क्लास किस लिए। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्वेश्चन। क्या बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे बताना? क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे बताओ? क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर रात में 10 बज वाले क्लास बच्चे, में थोड़ा थक जाता हूँ यार। करूंगा आज से करने कोशिश करता हूँ। कल मंगल वर्तमान और व्रत भी था तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज भी कर लेता, थक गया था। चलेगा, क्लास कैसी लगी? कुछ बच्चे कुछ सवाल, आपको 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ, पूछिए क्या सवाल पूछ रहे थे। 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ, क्या सवाल पूछ रहे थे जल्दी बताइए। क्या सवाल पूछ रहे थे? और एक बच्चे 5:30 पे एक क्लास हुई है, 5:30 पे एक क्लास हुई है, जितने बच्चे वो क्लास को जरूर देख लेंगे। सर 3 को सब लोग बोल रहे हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। सर 3 को सब लोग बोल रहे हार्ड क्वेश्चन आया, मतलब 3 को हार्ड क्वेश्चन आया। 3 को जो दिल्ली पुलिस वाला पेपर है, तो जिस जो बोल रहा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो उससे पेपर ही मंगा लो ना। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्या बच्चे आप नए हैं? जो बच्चे नए हैं आपको बता दो, द गोल्डन आर्मी करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल। एक बोल रहा है कि सर महा मैराथन करा दीजिए। हाँ, तो तुम तो एक साल आराम करो, आके महा मैराथन हमसे कराओ। जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उनसे पूछो मैराथन चाहिए क्या भी। आदिति अशोक, एक वेरी गुड बच्चा। आदिति अशोक की बात करता हूँ, ये गोल्फ से संबंधित है, स्क्वेश से नहीं। सबस चौथे नंबर पे कौन? वो गोल्फ से संबंधित है, स्क्वेश से नहीं। सबस इनका संबंध गोल्फ से, माफी चाहूंगा। ठीक है, आदिति अशोक का संबंध क्या बच जाते? गोल्फ से हो जाते। ठीक है, अनाहत से ही स्क्वेश से हो जाती। ठीक है, अनाहत से स्क्वेश हो जाती। अनाहत सिंह की बात करता बच्चे, आपके स्क्वेश से चलेगा। और किसी को कोई डाउट बच्चे? तो इस प्रकार से चीजों को पढ़ना होता है। ठीक है, और मैं मतलब कि यार यहाँ पे जितने लोग हैं आप 6 बजे क्लास में नहीं आ सकते हैं। किसको जगने में दिक्कत हो रही है? किसको जगने में दिक्कत हो रही है बताएगा? मेरे प्यारे दोस्त, आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी क्लासेज आपकी चलेंगे बच्चे अधिका, बहुत ही शानदार तरीके से इसकी क्लासेज चलेंगे बच्चे अधिका। 699 रुपए में मात्र इसके बैच से जुड़ सकते हैं। इसकी क्लासेज आपको 4 दिसंबर से चलने वाली है। ठीक है, 4 दिसंबर से। यहाँ पर फोटो दिख रहेगा, पॉलिटी में आपके बच्चे अधिका हरेंद्र भाटी सर में। ठीक है,
हरेंद्र घाटी सर के। बाकी अगर आप ग्रेजुएट है तो बच्चे ग्रेजुएट है तो आप बच्चे आईबी के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये जो आईबी की बात करता बच्चे याद रखा, यह ग्रेजुएट है, यहाँ पे पांच सब्जेक्ट, एक करंट अफेयर को अलग से ही दे दिया 20 क्वेश्चन, जीएस का 20 क्वेश्चन अलग से, तो यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन करंट का, 20 क्वेश्चन करंट का, 20 क्वेश्चन जिसने 3-4 महीना करंट अफेयर लगातार पढ़ा भाई सब यहाँ पे, क्योंकि करंट वाले बाकी क्या करेंगे 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, करंट से 20 क्वेश्चन याद रखा, जीएस से, इंग्लिश से बच्चे यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल प्री में आपको इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल प्री में सर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ लो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, और हम क्या बोल सकते हैं। सर महंगी बैच है, बाकी जगह पे 400-500 के, तो बाकी जगह पे जाकर ले लो बाबू, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर आप सस्ता देखकर कोर्स ले रहे हो तो ले लो, बाकी जगह पे 405 के। अगर एक कपड़े खरीदने जाते हो या आलू ही खरीदने जाते हो तो एक जगह पे 110 का भी होता, 20 का भी होता, दोनों में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो चीज होगी इसमें, और भी वो भी तो कुछ वो बुक वगैरह भी तो वो दिया जा रहा है, ई बुक वगैरह। बोल रहा है कि सर बाकी जगह, अरे ठीक है, जींस खरीदने जाएगा, शर्ट खरीदने जाएगा तो 100 रुपए वाला नहीं लूंगा, 100 रुपए वाला नहीं लूंगा। थैंक यू डियर, थैंक यू खुशी, थैंक यू पीजा खान, थैंक यू दोस्तों। चलेगा तो मिलते हैं बच्चे कल सुबह में 5:30 में। ठीक है, 5:30 में, बाकी रात वाली क्लास में एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन तो रेडी है मेरा रात वाली क्लास के लिए कल भी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Thank you.